कैट्सोटेड 91 का होने वाला और क्यों कहीं ना कहीं जब आप हेडशॉट पे खेलते हो ना गाइस तो प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। हेडशॉट मारने की ओर लीजिए पहले ही राउंड में एनसी एंग्री को हेडशॉट। कहने के आज बैटल बराबर के प्लेयर से तो हेडशॉट मारना आसान नहीं होगा। अरे ओपी और ओपी हेडशॉट भाई, ये लाल ही चिपका रहा है जितना चिपका रहा है। हे माय फैमिली, क्या हाल आप सभी के। तो आज एक और बेहतरीन प्लेयर से कहीं ना कहीं मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जिसका एडसोटेड 91 का होने वाला है और कसम से जो खेलता है वो प्लेयर अलग ही लेवल खेलता है और आज उसका बैटल होगा कहीं ना कहीं एनजी एंग्री से। चलते हैं उसके बाद थोड़ी देर लॉबी में, फिर करते हैं सीधा मैच स्टार्ट। ब्रो ये बता तुमने एडसोटेड कैसे किया 90 का? हाउ यू डू 90% एडसोटेड? मैं सीएस रैंक खेलते रहता हूं इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस भी है। मैं 3 इयर्स से खेल रहा हूं गेम। सो तुम्हारी हर दूसरी गोली हेडशॉट पे जाती है? नहीं नहीं इसे नहीं जाती है। मेरा पहले हेडशॉट रेट 98% था। मैं केडी मेंटेन करने के लिए थोड़ा बॉडी मार दिया वो 91 हो गया। एवरेज डैमेज भी काफी अच्छा है तुम्हारा 3000 का। ओनली हेडी नहीं बॉडी भी मारता हूं और हेडशॉट भी मारता हूं, अच्छा खेलता हूं। यानी कि ये कि 10 में से 9 गोली आप हेड पे मारते हो? मैं पहले बॉडी मारकर बाद में एक हेड मारता हूँ। ओके कहाँ से हो ब्रो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? कर्नाटका। कर्नाटका इन विच क्लास? सेकंड पीएससी। ओके ब्रो विच गन आर यू यूजिंग इन दिस गेम ब्रो इन 1v1 ब्रो? आई एम यूजिंग M187 एंड UMP। ओके ब्रो आर यू रेडी फॉर 1v1 बैटल और नॉट? I am ready bro. Okay, which phone you are using bro? I am Realme X7 Max. What is the RAM and processor all? RAM is 12GB and 256GB ROM. Ooh, nice. And processor? Processor 1200 Dimensity. Ooh, so you have good device I think. Yeah bro, I am now tech-ed, going to job. Oh bro, nice bro. एक चीज रहती है कि हर गोली आपको हेड पे मारनी है, उस चीज की प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छी। मैं अभी गेम बहुत नहीं खेल रहा हूँ, सेकंड ईयर है ना। मैं पहले टेंथ में था, टेंथ में घर में था ना, ऑनलाइन क्लास हो रहा था, बहुत अच्छा खेलता था। सो अब क्या कह रहे हो तुम खेल नहीं पाओगे? अच्छा खेलता हूँ अभी भी, अच्छा खेलूंगा। तो डर किस बात का, फेल देना? हाँ फेलता हूँ। I can't underestimate any NG player, bro. Oh yeah, bro. That's the thing, bro. Guys, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हर दूसरी गोली 90 के headshot rate के साथ चलेगी इनकी। जी हाँ, 90 का headshot rate है, यानी कि probably बात करें अनुमान लगाया जाए तो हर गोली head पे मारना चाहेंगे और सामने angry। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है इस मैच के अंदर। एक कर्नाटक का legend, जी हाँ, और सामने NG angry। क्या होगा इस मैच के अंदर? angry बढ़ चुके हैं आगे की तरफ भाई साहब। एक ऐसा ही मैच मैं देखना चाह रहा था धमाकेदार, जिसमें एक बंदा ऐसा हो जो गोली दूसरी हेड पे चलाए। क्यों कहीं ना कहीं जब आप हेडशॉट पे खेलते हो ना गाइस तो प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। हेडशॉट मारने की ओर लीजिए पहले ही राउंड में एनजी एंग्री को हेडशॉट। अब लग रहा है कि एनजी एंग्री को डरना पड़ेगा। एक्यूरेसी अब तक 100% दिखाई इस बंदे ने। 90% की बात करी थी पर पहली गोली हेड पे, क्या बात है। 90% हेडशॉट रेट और एनजी एंग्री तैयार आमने सामने। यहां पे फिर से गोली हेड पे चलेगी एंग्री के, लगी रहा है एंग्री आज। अरे रे अभी तक एक भी बॉडी नहीं मारी है, पहली बॉडी आ चुकी है। Okay. 90% हेडशॉट रेट गाइस। ओए क्या मूवमेंट भी है 90% जैसी। एप्पला पाटो तो बन गए हैं सस्ते वाले। अरे रे अरे रे बॉडी आई है। कहने की आज बैटल बराबर के प्लेयर से तो हेडशॉट मारना आसान नहीं होगा। अरे ओपी भाई 2-0। मैं यही चीज की तलाश में था कि किसी का हेडशॉट रेट ज्यादा होगा तो उसका गेम भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात है यार। एंग्री रिस्टार्ट करने कहां जाते हैं? देखते गाइस क्या होगा इस मैच के अंदर। 90% हेडशॉट रेट यहां पे लगातार 2 राउंड ले चुके हैं, 3 राउंड सॉरी, 1 राउंड तो एंग्री इलिमिनेट हो गए। अरे रे तेरे 200 उठा तो मैं सब। बड़ा कॉन्फिडेंट है प्लेयर में। अरे मेरे को ऐसे ही मैच देखने का इस तकड़े तकड़े, इसलिए मैंने ना 90% का हेडशॉट रेट रखा। जिसका 90 का हेडशॉट रेट होगा ना कहीं ना कहीं हेडशॉट पे ही खेलेगा, इसलिए मैंने इस प्लेयर को बुलाया।
देखते हैं क्या यहाँ पे क्या एंग्री सामना कर पाएंगे वन वी वन में। एंग्री अब तक एक भी स्ट्रीम पे मैच हारी नहीं है मेरे सामने, क्या पहली हार होने वाली है, देखते हैं क्या होने वाले मैच के अंदर। ओके भाई बुलफरा लेके आया यार ये, नहीं ये अनफेयर गेम हो गया, देखते हैं गाइस क्या होगा इस मैच के अंदर। एक रीमैच तो होने का करवाना क्योंकि कहीं ना कहीं बुलफ्रा की वजह से। अरे बट फिर भी एक हेडशॉट, क्या बात है एनजी एंग्री, 3-1 स्कोर हो चुका है यहाँ पे क्योंकि दो हेडशॉट मारने पड़ेंगे तभी जाके बात पड़ेगी। एंग्री तैयार है पे, मैच काफी लंबा खिंच रहा है पे, यूएमपी लेके आए 90% हेडशॉट रेट और काफी तगड़े दोनों गोली हेड, ये पता चलता है कि बंदे की एक्यूरेसी कितनी है, मारेगा जितना उतना लाल मारेगा गाइस। टफ मैच एंग्री के लिए आज, कुछ तो आएगा यूएमपी का हेड मारा है फिर से चांस दो आगे, और ओपी हेडशॉट भाई ये लाल ही चिपका रहा है जितना चिपका रहा है। चलो देखते हैं गाइस 90% हेडशॉट रेट के साथ यहां पे एंग्री, और अब 3 गोली मारनी पड़ रही है हेड पर, पूरा मारेंगे लाल, क्या बात है गाइस पूरा रेडी रेड चल रहा है रोटेट प्लेयर है तैयार अपना, और एंग्री भाई भी तैयार, हाथ में है डीगल और सामने एंग्री भाई, एक एंग्री उभरता हुआ सितारा है एनजी स्पोर्ट्स का इंडियन के अंदर। 57 का हेडशॉट रेट आया कहीं ना कहीं हेडशॉट, एंग्री भी कह रहे यार कितना, देखते हैं भाई गाइस जो भी स्ट्रीम देख रहे हो अगली बार बुलफ्रा कोई भी लगा के ना आए तो सही रहेगा सबके लिए, मजा आएगा। मैं टेलीफोन प्लेयर हूँ, अरे भाई अरे रे एक और हेड, वन वी वन यहाँ पे जो छोटा हो रहा है मानना पड़ेगा, एक हेडशॉट मारा है 50-60 किया क्या एंग्री पर बॉडी सॉडी, ओके हील करेंगे एंग्री, अल्ट्रा भी तैयार है पे यूएमपी के साथ यार, 3 का हेलमेट भी बहुत बेकार है नहीं मार पाते हैं, फाइट ऐसी लंबी खींचेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंग्री भी तैयार कहीं ना कहीं, मेरे को लगा था शॉटगन यूज करने वाले हैं भाई यूएमपी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उधर से एंग्री ने भी यूएमपी ले लिया क्योंकि एंग्री हर गन चला लेते हैं यहाँ पे, और इलिमिनेट हो गए अपने आप में बॉल लगा के, उधर गए क्यों जब उधर जोन ही नहीं था। 4-3 स्कोर बढ़िया, चलो देखते हैं गाइस मैच के मजे लेते हैं, इतने 2 शॉट हाथ में लिए थोड़ी सी बॉल करके हेड मारना चाहते थे, अरे रे 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 एंग्री हेड मार के स्टक हुए थे, 90% हेडशॉट रेट जरूर है पर कहीं ना कहीं नर्वस तो होंगे ही अपने हेडशॉट, भाई ये ग्लू वॉल लगा के सारी खत्म करो ना एंटी ब्रो यार, इतनी ज्यादा ग्लू वॉल लग रही है इसकी, ये लगा के खत्म क्यों नहीं करते, इनको तोड़ दो ना ब्रो एंग्री, अरे सीधा डेजर्ट से मर गया बुलफ्रो होने के बाद भी, ये क्या था, म्यूजिक चलवाते हैं जेलर भाई, हेलो जेलर भाई, अरे यार ये मुक्का मार रहा था, मार दिया अल्ट्रा भाई, वो मुक्का मार रहा था आपकी ग्लू वॉल हटवाने के लिए, थोड़ा म्यूजिक लगा दिया जाए बैकग्राउंड में, ब्लैक्स आउट की मीनिंग है काली चीक, काली चीक। चलिए गाइस देखते हैं, अरे ओपी हेडशॉट यहाँ पे कहीं ना कहीं, हाथों के साथ एंग्री कहीं ना कहीं, चलिए देखते हैं गाइस वन वी वन फिर से तैयार यहाँ पे, ये लास्ट राउंड गाइस इसका रीमैच करते हैं क्योंकि इसकी ग्लू वॉल ज्यादा लगेगी, उसको ग्रुप में बुला के मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओपी हेड तगड़ा एंग्री भाई, रे 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 भाई इसकी ग्लू वॉल कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही, 6 लगती देखी है मैंने, 6-7 ये तो 20-20 लगा रहा है, काफी तगड़ा हेड एंग्री, अब एलिमिनेट ये एलिमिनेट हो जाएगा पता, इस पर अपनी बॉल ही नहीं हटेगी, देखो अनलिमिटेड ग्लू बॉल का जादू। चलिए गाइस देख लेते हैं पे इस बंदे में स्विच क्यों नहीं हो रहा, अल्ट्रा भाई यार यूएमपी बंद करते हैं लेकिन, ठीक है चलिए गाइस देखते हैं 90% हेडशॉट रेट के साथ हमारे भाई 90 का हेडशॉट रेट, एंग्री भी यहां पे तैयार 89 का हेड मारा है, 1% कम यार ये ग्लू बॉल, 6-6 ऑल हो चुका है मुकाबला जबरदस्त, और एंग्री 7-6 से चैप्टर क्लोज करेंगे, पर इस मैच को हम दोबारा से कराएंगे तो बिल्कुल बुला लेंगे यार, समझो ना थोड़ा टाइम, अरे ओपी हेडशॉट कहीं ना कहीं, अरे ओपी 90% ने भी जवाबी हमला कर दिया है,
और इस टाइम नहीं बचेगा क्योंकि इस बार हेलमेट पूरा खोल दिया था पूरा ऐसे। ओपी हेडशॉट सिंगल हेड 4-1 बॉडी और खोल के रख दिया हेडशॉट ने तो दिखाई नहीं हेड जी एंग्री। एक और हेडशॉट 90% हेडशॉटेड अब धीरे धीरे वापसी कर रहा है गाइस। अरे भाई ये क्या मार रहा है अब हेडशॉट की दो शॉट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अरे भाई हाउ यू किल विद वन शॉट 5% हेडशॉटेड के साथ बॉडी। अरे भाई देखो 59 का मैक्स हेडशॉटेड आया 50-50-50 के 200 की हेल्थ पे फुल फ्रा को डिफीट करते हुए नजर आए एंग्री एक 90% हेडशॉटेड प्लेयर को भाई ओपी एंग्री ब्रो क्वेश्चन बुलफ्रा ना टू मच एडवांटेजेस यू नो ना ब्रो नो प्रॉपर हेडशॉट कमिंग एंड ऑल दैट डेजर्ट ईगल एंड एवरीथिंग वेल प्लेड ब्रो मजा आया तुम्हारे साथ ये लो दिल लो मेरा